तो चलो गाइस यार, तुम्हें आज मैं मेरे प्यार से मिलाता हूँ, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड से। तो गाइस यार, इसे आप लोग जानते होंगे, ये सुपर गर्ल है। सुपर गर्ल, कैसी है तुम? अरे समित, तुम? हाँ सुपर गर्ल। ओ वाओ, क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बल्कि तुम इनसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। अरे शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं सोच रहा था आज तुम मेरे साथ कोई डेट पे क्यों नहीं चलती है? बताओ, चलोगे मेरे साथ डेट पे? अरे कौन आया? अबे इसकी ऐसी तैसी, ये कौन है? आई एम बैटमैन। ओए बैटमैन, तू यहाँ क्या कर रहा है चमगादड़ कहीं के? आई एम बैटमैन। हाँ मुझे पता है तू बैटमैन है। बैटमैन चाहता है सुपर गर्ल तुम मेरे साथ डेट पे चलो। ओए तुझसे पहले मैं आया ना। आई एम बैटमैन, तुम्हारे पास है क्या समित? मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं हूँ बैटमैन, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है मेरे पास। भाई ये तो गलत बात है यार, ये मेरे साथ डेट पे चलने वाली थी। आई एम बैटमैन, वो कौन गिरा के अब? अरे भाई साहब ऐसे कैसे? अरे सुपर गर्ल, तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम मेरे साथ डेट पे चलने वाली हो? अरे फ्लैश, तुम भी आ गए? अरे ना बताओ कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। व्हाट द हेक, ओए क्या बकवास कर रहा है तू? सुपर गर्ल को मैं डेट पे ले जाने वाला था। अरे तुमसे पहले हम आए भैया। कहाँ से आया तू? अरे ऊपर से। गाइस यार यहाँ पर ये चल क्या रहा है? यहाँ पर फ्लैश का बच्चा और यहाँ पर ये बैटमैन क्या कर रहा है? अरे सुपर गर्ल तुम मेरे साथ चलोगी? आई एम बैटमैन, बैटमैन के साथ चलेगी सुपर गर्ल। अरे भैया हमारे संग चलेगी। अरे तुम लोग चुप करो, पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े हो। मैं तुम में से उसी के साथ जाऊंगी जो मेरे लिए सुपर गिफ्ट लेके आएगा। हैं? तुम्हारे लिए सुपर गिफ्ट? हाँ, मुझे असल में सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो है आयरन मैन का सूट। जो मेरे लिए सबसे अल्टीमेट आयरन मैन का सूट लेके आएगा, मैं उसके साथ डेट पे चलूंगी। अरे भैया इतनी सी बात, एक सेकंड, अभी मैं फुल स्पीड में जाता और फुल स्पीड में वापस आता। अरे ये लो सुपर गर्ल, मैं तुम्हारे लिए आयरन मैन का सूट लेके आ गया। देखो ये रहा आयरन मैन। क्या इतनी जल्दी सूट भी लेके आ गया? कहाँ है? अबे ये आयरन मैन का सूट ज्यादा छोटा नहीं है क्या? अरे ये कैसा सूट है भाई, ये तो एक बच्चा है। अरे फ्लैश तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला सबसे ताकतवर और सबसे सुपर कूल, और ये तो एक आयरन मैन का छोटा बच्चा वाला सूट है, ये थोड़ी चाहिए मुझे। आई एम बैटमैन, तुम टेंशन मतलब सुपर गर्ल, मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए खतरनाक वाला सूट। बैटमैन चला, आई एम बैटमैन। ओके ओके, तो गाइस यार मेरे को चलना चाहिए, ठीक है सुपर गर्ल मैं भी आता हूँ। चलो भाई जल्दी चलते यार, मेरे को आयरन मैन के सूट ढूंढने पड़ेंगे यार, जिससे यार सुपर गर्ल मेरी गर्लफ्रेंड बन सके और दोनों को लात मार सकूं मैं। जल्दी चलो यार। ओके तो गाइस यार, मेरे को चाहिए आयरन मैन का सूट। जैसे कि यार सुपर गर्ल ने बोला, उसे आयरन मैन के सूट बहुत ज्यादा पसंद है, और जो सबसे अच्छा आयरन मैन का सूट लेके आएगा उसकी वो गर्लफ्रेंड बनेगी, मतलब डेट पर चलेगी। पर गाइस यार कंपटीशन में है यार कौन? बैटमैन यार, वो बहुत अमीर, और साथ में फ्लैश यार, वो तो किसी भी चीज को एक सेकंड में ला सकता है। पर ढूंढना उनको भी पड़ेगा और मुझे भी पड़ेगा। और जितना मेरे को पता है, ये असल में फिल्म इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर एक एक्टर है, उसने अपनी मूवीज के लिए एक कस्टम आयरन मैन का सूट बनवा रखा है। उसका नाम है एंजल आयरन मैन, और वो सभी बहुत ज्यादा कमाल का है। जब से उसने वो सूट यूज करना शुरू करा है अपनी मूवीज में, उसकी हर मूवी बिल्कुल भाई ड्रामेटिक, खतरनाक, मतलब बिल्कुल फैंटास्टिक जाती है भाई, सुपर हिट। पर गाइस यार प्रॉब्लम ये है, वो सूट कहां पर वो मेरे को पता नहीं है, और उसको चुराना और भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। देखते हैं गाइस यार। ओ भाई ये देखो, वो रहा जॉनी लैंचर्ड, जिसके बारे में बात कर रहा था, और उसका सूट कहां पर है यार? आगे जाके देखता हूं भाई, क्या पता मेरे को दिख जाए। ये रहा जॉनी लैंचर्ड, और वो रहा देखो उसका सूट, वो देख रहे हो आप लोग, वो उसकी वैन है, जिसका मतलब वैनिटी वैन, और उसके अंदर देखो वो रहा उसका एंजल सूट। पर प्रॉब्लम ये, जब तक जॉनी लैंचर यहाँ पर खड़ा रहेगा, मैं उसका सूट नहीं चुरा पाऊंगा, जो कि सेमी काफी ज्यादा सुपर कूल है यार। अब प्रॉब्लम इस भिखारी को हटाऊं कैसे यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा, ये हटता ही नहीं अपने सूट के आगे से। अरे जॉनी लैंचर, तुम्हारी मूवी सुपर हिट है। हाँ बिल्कुल सुपर हिट मूवीज बनाते हो। अरे लेडीज, अब मैं क्या ही बताऊं मेरे बारे में, हूं इतना सुपर कूल, मेरा सूट भी इतना ज्यादा सुपर कूल है, तुम लोग मेरी फैन हो, काफी अच्छा लगा मुझे ये सुन के। जॉनी लैंचर, जॉनी लैंचर। यार मैं क्या करूँ यार, आखिर यार इसको कैसे हटाऊं यहाँ से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूँ क्या करूँ। अरे दोस्त मेरी बात सुनोगे? अरे दोस्त कौन बोल रहा है? एक सेकंड। हाँ बोल भाई, लगता है कोई कैमरामैन है। हाँ बोल, कैमरामैन वाले इंटरव्यू लेने आया है क्या? अरे हाँ इंटरव्यू ही लेने आया था। फिर क्या हो गया? अरे यार वो तो काफी खड़ूस आदमी है, लड़कियों के अलावा किसी से बात ही नहीं करता है, मतलब मैंने उससे इंटरव्यू मांगा था और वो उसने मना कर दिया। अरे एक सेकंड, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, शायद तेरे को कैमरा अच्छे से पकड़ना नहीं आया होगा। एक काम कर, तू आगे आगे जा उसके, मैं तेरे पीछे पीछे कैमरा लेके आता हूँ, तो उसको साइड में लेके जाइए कोने में। अरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि उसका सूट गायब हो जाए। हाँ ओके ओके, मैं भी यही चाहता हूँ, एक बार उसका सूट गायब हो जाएगा तो उसकी मूवीज हिट होनी भी बंद हो जाएगी। हाँ दोस्त वही मैं चाहता हूँ,
तो एक काम कर, तू आगे आगे चल, उसको बोलना कि इंटरव्यू के लिए आए हैं और उसको साइड में लेके चाहिए। और सुन, ऐसे नहीं मानेगा वो, उसको बताओ क्या बोलिए हैं। क्या बोलना है दोस्त? उसको ऐसे बोलना कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है और मैं नेशनल टीवी के ऊपर तुम्हारा इंटरव्यू चलाऊंगा, ठीक है, और तुम्हारी मूवीज को और भी ज्यादा सुपर हिट बनवाऊंगा। हाँ तो सही में, हाँ सही में बोलना, जितना तू कमा रहा है उसका 100 गुना कमाएगा अगर हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। हमारी ब्रांड सबसे बड़ी ब्रांड है पूरे लॉस सैंटोस की। अच्छा ठीक है दोस्त, शुक्रिया दोस्त। तो आ जाओ दोस्त, मैं आगे आगे चलूंगा, तुम कैमरा निकाल लेना। हाँ तू टेंशन मत ले, तू आगे आगे चल। अभी जाके पूछता हूँ। अरे सर, अरे सर सुनिए सर। अरे अरे कौन है, क्या हो गया? अरे सर मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। अरे अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ मेरी लेडीज के साथ। अरे सर हमारा जो ब्रॉडकास्ट है ना, वो लॉस सैंटोस के सबसे बड़े नेशनल टीवी पर होता है। अगर आप हमें इंटरव्यू देंगे तो आप जितना कमा रहे हैं उसका 100 गुना ज्यादा कमाएंगे, और फिर आपके आगे सिर्फ 2 लड़कियां नहीं नाचेगी सर, आपके आगे 1000 लड़कियां नाचेगी। लॉस सैंटोस में आप इतने फेमस हो जाएंगे, सोचिए हम रशिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह अपना नेशनल टीवी चलाते हैं। अरे तुम्हारी बात में तो दम है यार, मेरे को और फेमस होना है, 2 लड़कियों से मेरा मन भर गया। हाँ तो सर बताइए बताइए। हाँ सही कह रहे हो यार, चलो इंटरव्यू स्टार्ट करो। तो आइए सर इस तरफ आइए, यहाँ पर ये लड़कियाँ नाचती रहेगी तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ चलो साइड में चलते हैं। आइए सर आइए, इस साइड काफी सही रहेगा, उस साइड आवाज भी ज्यादा है। आइए। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ जल्दी चलो सर, मेरे पास कैमरा बहुत बड़ा वाला। आइए सर ये एकदम सही जगह रहेगी, आप यहाँ कुर्सी पे बैठना, और यहाँ पर देखिए लाइट्स भी है, यहाँ पर मस्त आपकी शूटिंग करेंगे हम लोग। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारा कैमरा कहाँ पर है? अरे सर हमारा कैमरा, ये मत कहना तुम्हारे पास ना छोटा कैमरा है, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के पास भी इससे बड़ा कैमरा है। वो गाइस कैमरे की जरूरत है, अगर हमारे पास बड़ा कैमरा नहीं आया तो समझो ये हमारे ऊपर शक करेगा और इंटरव्यू नहीं देगा, और मैं इसका सूट नहीं चुरा पाऊंगा। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कैमरा, जिससे मेरे पास एक बड़ा वाला कैमरा आ जाए। तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो? अरे अगर तुम्हारे पास इतना छोटा कैमरा है तो भूल जाओ, मैं तुम्हें इंटरव्यू देने वाला हूँ। अबे गाइस यार जल्दी करो, जल्दी लिखो लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर कैमरा, जिससे मेरे पास एक बड़ा वाला कैमरा आ जाए। 1 2 3 कैमरा। अरे अरे सॉरी सर, मैं कैमरा लाना भूल गया था, देखिए सर ये रहा हमारा कैमरा। अरे वाव, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है ना, 4K HD में क्वालिटी आती है इसकी। हाँ सर ये वही है। अरे वाव यार, इस अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा कैमरा है तो तुम काफी बड़े टेलीविजन के मालिक लगते हो। चलो मैं यहीं पर खड़ा होकर इंटरव्यू दूंगा, चलो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करो मेरा। तो सर मेरे को आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की थी? तो मेरी शुरुआत बहुत ज्यादा खराब थी, पर जब से मेरे पास वो आयरन मैन का सूट आया है। चलो गाइस यार, ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो गाइस यार ये बातों में लग चुके हैं, मेरे पास यही सही मौका है, जाके जल्दी से वो सूट चुराता हूँ, और वो ध्यान भी नहीं दे रहा है। चलो भाई चलते हैं। वो भाई यहाँ से वो लड़कियां भी जा चुकी है, एकदम परफेक्ट, देख तो नहीं रहा? नहीं नहीं यार बातों में बिजी है वो अभी तक। हाँ तो सर मैं कहता हूँ आप ऐसी मूवी बनाए जिसमें कलाकार की कलाकारी हो। चलो भाई साहब, उस न्यूज वाले ने भाई उसको बातों में लगवा रखा है, एकदम सही है, जल्दी जाके इसका सूट चुराता हूँ। ओ गाइस यार ये देखो, ये है एंजल सूट, चलो इसको लेते हैं, लेट्स अपग्रेड। तो गाइस ये रहा देखो, हमें एंजल सूट मिल चुका है, जल्दी भागो इससे पहले कि उसको पता लगे कि मैंने उसका सूट चुरा लिया। भागो भागो भागो, जल्दी चलता हूँ सुपर गर्ल के पास और उसे दिखाता हूँ कि मैंने कितना खतरनाक वाला सूट मिला आयरन मैन का। चलो गाइस चलते हैं सुपर गर्ल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ खतरनाक वाला आयरन मैन का सूट। आई एम बैटमैन। हे ये देखो, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा सूट लेके आया हूँ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल सूट है, इस वाले सूट के पास लेजर्स, बहुत सारी मिसाइल्स, पता नहीं क्या क्या है, ये है बैटमैन का सूट, आई एम बैटमैन। अरे वाओ, ये वाला सूट कितना क्यूट है, क्योंकि इसके देखो पंख में भी रूबीज लगी हुई है, और मुझे डायमंड्स और रूबी बहुत ज्यादा पसंद है। क्या सूट लेके आए हो? पर मेरे को ऐसा सूट भी चाहिए जो ताकतवर हो, जो सूट बैटमैन लेके आया है। ओह माय गॉड, आई एम बैटमैन, मेरा सूट ज्यादा पसंद लगा ना तुम्हें सुपर गर्ल। अरे मैं ये नहीं बोल रही तुम्हारा मुझे ज्यादा अच्छा लगा, और ना ही मैं ये बोल रही मुझे तुम्हारा ज्यादा अच्छा लगा, तुम दोनों का अच्छे, पर मुझे इससे ज्यादा कमाल का अच्छा सूट चाहिए। क्या तुम्हें मेरा वाला सूट अच्छा नहीं लगा? अरे अच्छा है अच्छा है, पर और भी ज्यादा महंगा और कमाल का ताकतवर सूट लेके आओ। आई एम बैटमैन, मैं और कमाल का सूट लेके आऊंगा। ओके तो गाइस यार बैटमैन के पास काफी मस्त वाला सूट है और मुझे इस वाले सूट की जरूरत है। बैटमैन एक काम कर सकता है, मेरे को तो अपना ये वाला सूट दे सकता है मेरे को, क्योंकि अगला सूट लाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। आई एम बैटमैन, मैं नहीं दूंगा। अरे बैटमैन दे दो ना, क्या पता तुम्हारा सूट का यूज करके तुमसे भी अच्छा सूट लेके आ जाए वो, पहले तुम डर तो नहीं रहे कहीं पर सुमित तुमसे अच्छा सूट ले आएगा? आई एम बैटमैन, ऐसी कोई बात नहीं है, सुमित मुझसे ज्यादा अच्छा सूट नहीं लेके आ सकता।
हाँ तो ठीक है, चल मैं तेरा ये सूट ले रहा हूँ। ओके ले लो। ओके तो गाइज यार यहाँ पर मैंने बैटमैन का सूट ले लिया है, क्योंकि गाइज यार इस वाले बैटमैन के सूट के अंदर काफी सारी पावर्स है। जो मेरा वाला सूट उसमें पावर्स नहीं है, क्योंकि यार वो असल में एक एक्टर ने बनवाया, पर ये वाले के पास पावर्स है। देखना तुम, अब देखो गाइज यार इस वाले सूट से हम लोग उड़ सकते हैं। तो चलो गाइज यार मेरे को अब चाहिए तू दूसरा सूट, जो और भी ज्यादा कमाल का हो, इस वाले सूट से जो मैं लेके आया हूँ। तो चलो गाइज यार उस वाले सूट को लेने चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज यार मेरे को अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे काफी सारे लोग हाथ धो के पड़े हैं, और तुम्हें पता है वो लोग काफी खतरनाक है। उन लोगों ने मुझसे अच्छा गिफ्ट दे दिया ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तुम्हारा भाई और भी ज्यादा आयरन मैन के सूट ढूंढ रहा है, और यहाँ पर एक खतरनाक जगह है जहाँ पर सबसे लेजेंडरी आयरन मैन का सूट मिलता है, बस तुम लोग देखना। ओके तो गाइज यार देखो हम लोग उस जगह पर पहुंच गए फाइनली। वो भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग। चलो गाइज यार अभी हम लोग आज के, ये देखो ये है स्नोमैन टाउन। और गाइज यार मुझे पता चला है, मैंने कहानियों में सुना है असल में, कि यहाँ पर एक आयरन मैन का लेजेंडरी स्नो आयरन मैन सूट है यार। बस अब मेरे को ये नहीं पता इस जगह पर वो सूट होगा कहाँ पर। यहाँ पर एक चीज ढूंढनी पड़ेगी मेरे को, जहां तक याद है यहाँ पर एक स्नो ग्लोब नाम की चीज है। अगर मैं उस चीज को तोड़ देता हूँ, यहाँ पर चार स्नो ग्लोब मिलेंगे, अगर मैं उन चारों को तोड़ देता हूँ तो उसके बाद वो जो आयरन मैन का सूट है वो बाहर निकल के आएगा। और अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो चीजें मेरे को कहाँ मिलेगी और कहाँ से आयरन मैन का सूट बाहर निकलने वाला है। ओके गाइस एक चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पर देखो एक स्नोमैन ये रहा, एक वोरा, और उस तरफ जाके देखता हूँ तो गाइस यार अभी हम लोग दूसरी साइड आ चुके, और यहाँ पर भी देखो, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है स्नोमैन मेरे को देख रहे हैं यार। हाँ चारों तरफ खड़े इस जगह के, जहाँ पर इतना बड़ा वाला एक क्रिसमस ट्री है, और ये क्रिसमस ट्री काफी अजीब सा है यार सेमी। कोई बात नहीं, अजीब रहने दो, मेरे को क्या लेना देना। हाँ तो गाइस यार जैसे कि मैं कह रहा था, और यहाँ पर देखो कितने सारे गिफ्ट्स है यार। ओ ये आवाज कैसी आई थी अभी पता नहीं। और यहाँ पर एक और स्नोमैन है जो कि उस तरफ देख रहे हैं, कहीं इन गिफ्ट्स के अंदर से तो नहीं निकलने वाला कहीं पर जो मेरे को चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? स्नो वाला आयरन मैन का सूट चाहिए। चलो गाइस यार अब मेरे को स्नो ग्लोब ढूंढने पड़ेंगे। अब वो स्नो ग्लोब कहाँ पर मिलेंगे मेरे को, जल्दी जल्दी ढूंढता हूँ उनको। ओके तो गाइस यहाँ पर है कुछ। ओए एक सेकेंड, ये देखो कितने बड़े बड़े पंपकिंस है, और इनके बीच में देखो ये रहा वो स्नो ग्लोब। पक्का यही वो चीज है जिसके बारे में मैंने सुना था। हाँ ये स्नो ग्लोब जैसी ही लग रही है मेरे को चीज, देख रहे हो, मेरे को बस इसको तोड़ना है। ओके तो गाइस यार उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। इसको तोड़ना नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि ये भाई बर्फ का बना हुआ है, और बर्फ तुम्हें पता है काफी सालों से जमी रहती है, तो कितनी ज्यादा ठोस हो जाती है। देखो भाई कितनी ज्यादा ठोस बर्फ है ये, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। उस चीज के लिए आपको मेरी मदद करना पड़ेगा। ओके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना आप लोगों को फुल फोर्स, ठीक है? मैं चार तक गिनूंगा, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना फुल फोर्स। ओके 1 2 3 लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर फुल फोर्स। चलो गाइज यार हमने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दिया, अब अपनी फुल फोर्स से इसे तोड़ता हूँ मैं। ओके तो चलो गाइज यार 1 2 3 गो। भाई साहब ओए ये क्या, पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया मैंने। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक स्नो ग्लोब तोड़ दिया है, पर अभी मेरे को और भी ज्यादा स्नो ग्लोब ढूंढने पड़ेंगे। उस तरफ चल के देखता हूँ। ओए एक सेकंड, ये एक यहाँ था, मतलब चारों कोनों पे एक एक स्नो ग्लोब होना चाहिए। उस तरफ जाके देखते हैं, और भाई साहब हमारी पावर देख लो कितनी कमाल की, हम लोग कितनी ज्यादा तेज दौड़ पा रहे हैं। ओके ये देखो जैसे कि मैंने सही समझा था, और यहाँ पर देखो इन फसलों के बीच में एक और स्नो ग्लोब है। ये आप लोगों की मुझे फिर से मदद चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में लिखना आपको पावर अप, ठीक है, जिससे मेरी पावर्स बढ़े। और ये जो मेरे साइड साइड में दो बड़े बड़े रिपल्सिव दिख रहे हैं, इससे पावर आए मेरे पास, ठीक है? तो लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर पावर अप। ओके 1 2 3 ये मैन गो। ओ भाई साहब क्या धमाकेदार मारा तुम्हारे भाई ने, फोड़ दिया भाई उस स्नो ग्लोब को भी मैंने। चलो गाइस यार यहाँ पर हमने स्नो ग्लोब्स को फोड़ दिया, अब बचे दो और, उनको ढूंढना है। तो गाइस यार मेरे को लगता है जो तीसरा होगा वो उस तरफ होगा। चलो ढूंढते हैं इस घर के पीछे जाके। अबे यहाँ पर तो कहीं भी मेरे को कोई स्नो ग्लोब नहीं दिख रहा है यार, कहाँ पर हो सकता है स्नो ग्लोब? एक काम करता हूँ ऊपर पहाड़ पे चढ़ के देखता हूँ, क्या पता पहाड़ के ऊपर भी तो हो सकता है यार। एक सेकंड, ओ ये रहा देखो, इस पहाड़ी नहीं, ये पेड़ के ऊपर ये रहा यहाँ पर। ओके मेरे को निशाना लगाने के लिए एक जगह चाहिए अच्छी सी। एक किस तरफ से निशाना लगाना है? एकदम ये वाली जगह बिल्कुल सही रहेगी, यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। ओके तो गाइस यार अब एक बार फिर आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर पावर अप। 1 2 3 ये हमने डैब। ओ भाई साहब कमाल, भाई कमाल, सुपर कमाल। चलो गाइस यार एक और स्नो ग्लोब गया, एक बचा अब लास्ट वाला, उसे ढूंढना है, वो पक्का इस तरफ होगा। तो भाई ये देखो मैरी क्रिसमस, क्रिसमस भी आने वाला है। ये देखो भाई सब सेंटा की वो क्या बोलते हैं बग्गी। ओके चलो गाइस यार यहाँ पर कहाँ पर मिलने वाला है मेरे को अगला लास्ट वाला स्नो ग्लोब? अबे कितना कंफ्यूजिंग है। ओए देखो यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है। ओए ये देखो मेरे को लास्ट वाला स्नो ग्लोब भी मिल गया। चलो इसको भी तबाह करते हैं। 1 2 3
ये लो भाई साहब, आखिरी वाला स्नो ग्लोब भी यहाँ पर गया। चलो भाई अब चलते देखते हैं। ओए ये क्या हो रहा है भाई साहब, भूकंप क्यों आ रहा है यहाँ पर इतना तेज वाला? तो गाइस यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि एकदम इतना तेज वाला भूकंप आया भाई, मेरी धरती हिल गई बिल्कुल यार। देखता हूँ अगर यहाँ पर हुआ है वो तो कुछ। ओए एक काम करता हूँ, वहां पर चल के देखता हूँ जहाँ पर वो स्नोमैन थे, पक्का वहीं पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। चलो 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 चलो। ओ भाई साहब देखो ये रहा वो बड़ा वाला क्रिसमस ट्री, चलते हैं। ओए एक सेकंड भाई, मेरे को कुछ दाल में काला लग रहा है। यहाँ पर ये इतने सारे स्नोमैन कहाँ से आ गए? पहले तो यहाँ पर गिनती के 3-4 थे, पर यहाँ पर अब बहुत सारे स्नोमैन आ चुके हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो गाइस यार यहाँ पर मैंने मेरी बंदूक निकाल ली है, अब मैं जूम करके देखता हूँ आखिर यहाँ पर है क्या ये सब। ओए ये देखो भाई साहब ये क्या, अब ये स्नोमैन तो इतने ज्यादा अच्छे दिख रहे थे, अब इतने ज्यादा बुरे कैसे हो गए यार? इनके हाथ में गन्स कहाँ से आ गए? इसको मारता हूँ। ये ले वो गया भाई साहब। ये मेरी तरफ देख रहे शायद ये लोग। हाँ ये मेरी तरफ। ओए इतनी अस्त सी, ओए तो मेरे को मार रहे हैं। ओए ओए नहीं 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 नहीं, मेरे को इनकी बैंड बजानी पड़ेगी मतलब। ओके तो गाइस यार मैं कौन से इनसे डरता हूँ, चलो हो जाए दो दो हाथ, इधर आ तेरी अस्त सी। ये हम लोग चले बैम, वाओ तोड़ दिया भाई इसको। अबे पेंगुइन है तो काफी ताकतवर, अबे इसकी ऐसी तैसी पेंगुइन नहीं है, पहली बात तो ये तो स्नोमैन है। चलो इसको तो मार दिया। अबे ये क्या मार रहे हो तुम मुझे? लेजर से मुझे कुछ नहीं होने वाला लेजर से। आखिर में ये वाला आयरन मैन का सूट बहुत ज्यादा पावरफुल है। अबे ये तो वापस खड़े होते जा रहे हैं, इसकी ऐसी ये ले और ये ले। तू इधर आ, तू बहुत मार रहा मेरे को। ओ भाई लेजर पहले मार रहे हैं। ये ले, अब बीच में से टूट गया ये, पर ये वापस कैसे खड़ा हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इसकी ऐसी तैसी, रुक जा तेरे को बताता हूँ मैं। इधर आ, ये ले, ये ले। अब यार मेरी पावर्स बहुत ज्यादा कम है, इतनी पावर्स से इन लोगों को मैं नहीं हरा सकता यार, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, पावर अप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी काफी ज्यादा पावर खत्म हो गई थी उन स्नो ग्लोब को तोड़ने में, इसलिए आप लोगों की मदद चाहिए, पावर अप करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो पावर अप, जिससे इनकी बैंड बजा सकूं। ऐसे तो पंचिस से कुछ हो ही नहीं रहा इनको, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है भूतनी के। ये ले, वो 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 वो, कुछ तो है मेरे पास खतरनाक चीज। फाइनल गाइस यार हमारा फिर से पावर अप हो गया, अब इनकी बारी बैंड बजाने की मेरी। तेरी ऐसी तैसी भुड़ता बना दूंगा तुम लोगों का। ओ भाई साहब क्या खतरनाक पावर है ये वाली। ये पावर तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अबे यहाँ पर और भी लोग हैं, अबे कोई और मर गया तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। बस 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 बस, मेरे को लगता है मैंने सबकी बैंड बजा दी है और मेरी पावर्स भी डाउन हो गई। ये लो भाई पावर्स भी खत्म हो गई। अब एक सेकंड, मेरा सूट कहाँ पर भाई? भाई साहब मेरे विस्फोट को जितने ज्यादा खतरनाक है, मेरे हिसाब से ये आधे बर्फ के अंदर दब चुके हैं। अबे मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को जल्दी जाके देखना चाहिए क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट खोले होंगे पक्का। जल्दी भागो जल्दी भागो। ओ ये देखो, जैसा मैंने बोला था, मैंने सही सोचा था, यहाँ पर ये देखो आयरन मैन का अगला सूट मिल गया मेरे को, स्नो आयरन मैन सूट जिसके बारे में बात कर रहा था। ओ भाई ये भी काफी कमाल का यार, इसको देख के तो भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और वो मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। चलो भाई साहब इट्स टाइम टू अपग्रेड करते अपने आप को जल्दी सी, लेट्स अपग्रेड। ये मैं आया, पानी में गिरना लगेगी नहीं। आई भाई साहब इसकी पावर खत्म हो गई। ये देखो सुपर गर्ल, ये देखो मैं एक और सूट लेके आ चुका हूँ आयरन मैन का कमाल वाला, और तुम इस सूट को तो जानती ही होगी। अरे वाह ये तो वो लेजेंडरी सूट है जो स्नोमैन के पास मिलते हैं, आज तक ये सूट किसी ने भी नहीं देखा, क्या सूट लेके आए तुम? है ना अच्छा बिल्कुल कमाल का, वाओ सुपर कूल। अरे भाई साहब मारा भी तो देखो, हम भी तो लेके आए हैं ये कमाल का सूट, है ना कमाल को? अरे फ्लैश जैसे मैंने बोला तुम्हारा सूट, छी कितना गंदा सूट है, कहाँ से लेके आए हो? पता नहीं चाहे कोई नाले में पड़ा था, इसके तो हाथ भी काले हो रखे। अरे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो सुपर गर्ल, ये कमाल का है। छी मुझे तो 1 रुपए का भी अच्छा नहीं लगा, पर कोई बात नहीं, अभी पर तुम लोगों में टाई चल रही है, क्योंकि सुमित वाले सूट से भी ज्यादा अच्छा सूट है एक और। क्या इससे भी अच्छा सूट है? हाँ वो वाला सूट लेके आओ, जब मैं मानू लॉस सैंटोस का सबसे महंगा वाला सूट है वो, उसकी कीमत $100 million है, वो लेके आओ, देखते तुम इस कौन लेके आता है। ओके सुपर गर्ल तुम ऐसा कह रही हो तुम्हें ये वाला सूट भी अच्छा नहीं लगा? अरे अच्छा लगा, किसने बोला अच्छा नहीं लगा, तुम काफी अच्छे सूट्स लेके आ रहे हो, पर मुझे और भी अच्छे चाहिए। ओके तो गाइस यार हम मुझे एक और सूट लाना पड़ेगा, और मुझे पता है कि मेरे को अपना अगला सूट कहां पर मिलने वाला है। चलो गाइस यार लेने चलते, लेट्स गो। गाइस यार मैंने कितनी ज्यादा मेहनत से वो यार स्नो आयरन मैन का सूट लिया था, पर यार वो असल में सुपर गर्ल को पसंद नहीं आया, उसे बोला उसे सबसे पावरफुल
वाला और सबसे ताकतवर सूट चाहिए। तो गाइस यार मुझे एक और सूट के बारे में पता है, जो है वो ट्रायरमैन का सूट, और वो असल में समुंदर की गहराइयों में है। उसके लिए मुझे एक शिप चाहिए होगी, शिप नहीं मतलब एक सबमरीन चाहिए होगी, इसलिए तुम्हारा भाई आ चुका है यहाँ पर एक सबमरीन खरीदने के लिए। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तो काफी सारी बोट्स है। आइए आइए सर, आइए, कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पर आए हैं आने के लिए कांग्रेचुलेशन। हाँ सर बताइए सर, कैसी बोट चाहिए आपको? ओके देखने दो तुम्हारे पास कौन कौन सी बोट है। ओके ये सबमरीन वाली है ना? हाँ सर ये सबमरीन वाली है। ओके भाई सब काफी मस्त है। और ये वाली नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, या फिर ये वाली? यार ये तो काफी पुराना मॉडल है यार, पुराना चाइनीज मॉडल। नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, ये वाला मॉडल चाहिए यार, ये वाला काफी सही है, इससे मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ। अरे सर ये कितनी गहराई तक जा सकती है? अरे सर ये आज तक की सबसे ज्यादा पानी के अंदर जाने वाली सबमरीन है, आप इसको कितनी भी गहराई में ले जा सकते हैं। ओके ओके भाई सब यही मेरे को चाहिए। क्या प्राइसिंग होगी इसकी? अरे भाई सब इसकी प्राइसिंग तो $3 million है। क्या अब कच्चे बेच के लाऊं क्या मैं? क्या बेकू मेरा $3 million? इतने पैसे तो नहीं है यार, 2000 meters तक अंदर जा सकती है पानी में। गाइस यार क्या करूं मैं? अरे अरे क्या हो गया भाई साहब, ज्यादा महंगी है क्या? अबे भाई बहुत महंगी है। एक सेकंड, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो शायद तुम्हें पसंद आ सकती है, मतलब बहुत ज्यादा एंटीक चीज है, उसके बदले में तुम मुझे ये दे सकते हो तो बताओ। हाँ अगर चीज पसंद आती है तो सोच भी सकता हूँ मैं असल में एक रेयर चीजों का कलेक्टिव भी हूँ, रेयर चीजों दोगे तो मैं उन्हें कलेक्ट भी करता हूँ। ओके तो गाइस यार मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिखना है स्नो ग्लोब, जिससे मेरे पास वो स्नो ग्लोब आ जाए जो यार हमने वहां पर देखा था ना, वो एक मैंने कलेक्ट किया था, पर आपको उसको स्पॉन करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है स्नो ग्लोब। जल्दी से लिखो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? स्नो ग्लोब। अरे भाई साहब ये क्या चीज है, मैंने ऐसी चीज आज तक नहीं देखी। अरे मैंने बोला था ना कमाल की चीज है ना? है तो काफी कमाल की चीज यार, क्या एंटीक पीस है, मैंने आज से पहले ऐसी चीज नहीं देखी। ओ माय गॉड ये तो काफी ठंडी भी है, अरे मेरे घर में बहुत काम आएगी, रात को मजा आएगा इसके साथ, तो ठीक है इसके बदले मैं तुम्हें बोट दे सकता हूँ। ओके तो गाइस चलो यार हमारा काम बन गया, अब जल्दी से हम लोग अपनी ये वाली सबमरीन लेके चलते, खुल तो जाएगी ना, लीकेज तो नहीं होगी, पता चले पानी के अंदर फट जाए। अरे नहीं 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 फटेगी बिल्कुल भी, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी की है। हाँ चाइना वालों ने इतनी बनाई ना। ओके ये हमने इंजन स्टार्ट, और ये चले हम लोग पानी के अंदर धीरे धीरे, लेट्स गो। वो भाई साहब मजा आ रहा है सही में इसको चलाने में तो। चलो भाई साहब अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले ऊपर चलाता हूँ इसको। ओ तेरी जय, मस्त चीज है यार सेमी। अभी मेरे को जाना है काफी ज्यादा गहरे समुंदर में, ठीक है, और वहां जाके मुझे ढूंढना है वो वॉटर वाला आयरन मैन का सूट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पर यार उसको ढूंढना इजी नहीं होगा यार, जैसा मैंने कहानियों में सुना है आज तक उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया है, पर आज तुम्हारा भाई उसे जरूर ढूंढ लेगा, क्योंकि आप लोग मेरे जो साथ हो यार, बाकी लोगों के साथ आप नहीं थे ना, आप लोग मेरे साथ हो तो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। ओके तो गाइस यार कम से कम आधा घंटा ट्रेवल करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके। देखो वोरी सामने केमिकल इंडस्ट्रीज, और यहीं कहीं पर होने चाहिए साइंस लैब, जो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, शायद इस वाले पहाड़ के पीछे है साइंस लैब। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जाना है यहाँ से पानी के अंदर, क्योंकि इसी एरिया के अंदर मेरे को वो सूट मिलने वाला है, वो आयरन मैन का, ठीक है। चलो गाइस यार अंदर चलना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। ओके भाई 2 feet नीचे आ चुके हम लोग। अबे भाई साहब बस मेरे को थोड़ा डर लग रहा है यार, क्योंकि ये कंपनी मैंने कभी नाम नहीं सुना यार, अविसा नाम की कंपनी का, बस ये कहीं कोई लोकल कंपनी की सबमरीन ना हो, कहीं नीचे जाए और फट जाए भाई मर जाऊंगा मैं, प्लीज भगवान ऐसा कुछ ना हो। चलो चलो धीरे धीरे हम लोग अंदर चलते हैं। ओके भाई साहब काफी सही चल रही है अभी तक तो सबमरीन। अब यार इसमें तो लाइटनिंग की बहुत ज्यादा कमी है मेरे हिसाब से, मेरे को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओ भाई देख रहे हो कितनी बड़ी चट्टान है यार पानी के नीचे। ओके बस मेरे को सूट मिल जाए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओके देखो देखो कहीं पर तुम्हें दिखाई दे तो कोई अजीब सी चीज जो मेरे को लगे कि हाँ वो सूट हो सकती है आयरन मैन का, और अंदर जाना पड़ेगा। अरे भाई यार ये तो काफी ज्यादा स्लो है यार, पानी के ऊपर ही तेज चल रही थी, पानी के अंदर तो बिल्कुल टट्टी है यार, तेज नहीं चल रही बिल्कुल भी। ओके हम लोग धीरे धीरे अंदर जाते जा रहे हैं, गहराई भी बढ़ती जा रही है, अभी हम लोग 400 feet नीचे आ चुके पानी में। सोच रहे हो 400 feet, एक सेकेंड इतने गुब्बारे क्यों छोड़ रही है भाई ये? अबे मेरे को ऐसा लग रहा है इस बोट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, मेरी बैंड ना बच जाए बस। चलो ढूंढो यार कहीं पर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा हो तो, यहाँ घासों में देखता हूँ क्या पता घासों के अंदर कहीं पर उलझा पड़ा हो। ओए शिट, वार्निंग अप्रोचिंग क्रश डेप्थ। अबे भाई इतने में बस इसके फिल्टर फट गए, 500 feet नीचे आया हूँ मैं तो। भाई साहब मेरे को लगता है कोई चाइनीज कंपनी की बोट दी है ये तो सही यार, मेरे को उसने इतनी पानी में आती है इसके फट गए सिस्टम भाई, बस ये फट ना जाए बहुत बुरी तरह, देखो धुआं निकल रहा है इसमें से, अगर ये फट गया तो समझो तुम्हारा भाई गया। ओके उस तरफ चल के देखता हूँ यार, इस तरफ तो नहीं होगा यार, क्योंकि उस साइड तो काफी कम गहरा होता जाएगा ना पानी। नहीं नहीं सामने है कुछ तो है, देखो देखो, अबे यहाँ पर तो सिर्फ घास ही घास है यार, कुछ भी नहीं है इस तरफ। वापस घुमाता हूँ और देखो इस तरफ यार जो गहराई थी वो भी कम हो गई, अभी मैं 464 feet पे आ चुका हूँ, मेरे को गहराई में जाना है, और कम से कम वो 650 feet पे, जितना मेरे को याद है जितना मैंने कहानियों में सुना है, 650 feet के ऊपर मेरे को मिलेगा वो वाला सूट जो मैं यहाँ पर ढूंढने आया हूँ। बस तुम अपनी
आंखें खुली रखना। ओके 500 फीट से नीचे जा रहे हैं अभी हम लोग। इसकी जो लिमिट है ना, एक एक सेकंड, हाँ इसकी 2000 मीटर की लिमिट है। तुम लोग बताना 2000 मीटर इज इक्वल टू कितने फुट होते हैं, ठीक है ये मेरे को बताना कितना फुट होता है 2000 मीटर। चलो अंदर चलते हैं धीरे धीरे। ओ भाई साहब इसमें अलग तो नहीं जाएगा ना ये? नहीं नहीं इतना तो ताकतवर कम से कम बना ही रखा है, बस फट ना जाना चाहिए। ओए एक सेकंड, ये क्या है यहाँ पर? कुछ तो भाई काफी ज्यादा चमक रहा है यार, यहीं पर ही तो वो सूट नहीं है जिसके लिए मैं ढूंढने आया हूँ इतनी दूर। हाँ भाई सब यही लग रहा है मेरे को, देख रहे हो उसके चारों तरफ रोशनी है यार, इतनी गहरे पानी में रोशनी देख रहे हो, और कुछ कहीं पर कुछ भी नहीं है, बस यहीं पर ही रोशनी है। ओए वो देखो उसके अंदर कुछ तो है। चलो यार मेरे को शायद निकलना चाहिए, मर तो नहीं जाऊंगा, निकल के देखते हैं इसमें से। ओके ओके भाई बस कुछ हो जाना नहीं चाहिए, चलो निकलते हैं। हो ये चली ऊपर, अबे कहाँ जा रही है मेरे को चढ़ के? अबे वो तो चली गई ऊपर, कोई बात नहीं यार मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है ना अपना, अंदर चलते हैं। ओ भाई साहब ये देखो, ये है वो वोटर आयरन मैन का सूट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और इसके चारों तरफ कितनी मस्त रोशनी है यार। चलो अब जल्दी जाके इसको लेता हूँ यार, और देखते हैं कि ये वाला सूट पसंद आता है नहीं आता है। चलो अरे ऊपर चलना थोड़ा, ए आराम आराम से, अरे 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 भैया, अरे चलो चलो। वाओ भाई साहब क्या मस्त सूट है, चलो इसको पहनते हैं जल्दी से, लेट्स गो। तो गाइस यार ये देखो मैंने वोटर सूट पहन लिया है। वाओ ये भाई साहब वोटर सूट्स की पावर देखो। ओ भाई देखो पानी के अंदर दौड़ पा रहा हूँ, ये तो काफी। ये कहाँ पर आ गया एकदम में, ये क्या था गाइस? मैं टेलीपोर्ट हो गया लगता है, ज्यादा पानी के अंदर जो गहराई में गया होगा मैं टेलीपोर्ट हो गया होगा। हाँ ये शायद इस सूट की पावर्स हो सकती है, पर कुछ भी हो भाई कमाल का सूट है तुम्हें। ओ बेटे क्या कमाल की सूट है यार ये तो सभी कमाल कमाल। देखो ये रही वो साइंस लैब जिसके बारे में बात कर रहा था, और हमने जो सूट मिला था वो नीचे कहीं पर मिला था। ये देखो भाई पानी मेरा कुछ भी नहीं कर पा रहा, कितनी स्पीड से पानी के अंदर भी ट्रेवल कर पा रहा हूँ, जूम 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 जूम। चलो गाइस यार अब चलते हैं यार, देखते कि ये वाला सूट पसंद आता है नहीं आता है यार हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड को। लेट्स गो, आ रहा हूं सुपर गर्ल। ए रुका रुका, तुम मेरे बिना ये रैम चैलेंज स्टार्ट नहीं कर सकते, मैंने इतनी मेहनत की है इस चीज के लिए नहीं की। रुको रुको रुको, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ आ गया आ गया आ गया। चलो भाई साहब बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, फ्लैश के बच्चे बैटमैन? आई एम बैटमैन। लिक, तुम लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। आज का रैम चैलेंज बहुत ज्यादा लेजेंडरी होने वाला है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। डॉक्टर साइंटी डम्बोला और मेरे पास दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे ताकतवर आयरन मैन का सूट है, पर मैं वो उसको ही दूंगा जो यहाँ पर ये रैम चैलेंज जीतेगा। ऐसा कौन सा सूट है तेरे पास? वो तुम्हें टाइम के साथ पता लगेगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से जो भी तुम्हें बाइक पसंद है वो लेनी है, उसके बाद तुम्हें यहाँ से बचते बचाते कंट्रोल करते हुए बाइक को यहाँ पर ऊपर आना है, और उसके बाद तुम्हें इन पोस्टर्स को फाड़ फाड़ के यहाँ सामने जाओगे, बॉडी बिल्डर्स को नीचे गिराना है, उसके बाद यहाँ से घूमते घूमते तुम पहुंचोगे बर्गर के ऊपर जंपिंग जपाक करने, और उसके बाद तुम्हें लास्ट में यहाँ पर इन लड़कियों को टक्कर मार के यहाँ पहुंचाना है। और ये है दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे खतरनाक वाला वेनम जिला आयरन मैन का सूट। जब गॉड जिला थे इस धरती पे जब से ये वाला सूट, और ये सबसे ज्यादा लेजेंडरी और प्राचीन सूट है। अरे भाई साहब तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर सबसे पहले फ्लैश जा रहा है, और देखते हैं गाइस यार फ्लैश क्या कर पाता है। गाइस यार कुछ भी हो जाए जीतना तो मेरे को ही है यहाँ पर, क्योंकि यार मैं ऐसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सुपर गर्ल से, कोई ऐसे लपोरी टपोरी आके नहीं जीत सकता। ओए भाई साहब लपोरी टपोरी किसे बोल रहे हैं, हम बिल्ले सुपर गर्ल तक प्यार करे हैं। अबे तो सुपर गर्ल को तूने पहले क्यों नहीं बोला? अरे बस मैं करता हूँ ना, तो बताने की जरूरत थोड़ी है, ये देखो मेरी बाइक खतरनाक। ओए भाई साहब अरे क्या चक्कर है, ये चल क्यों नहीं रही? अब ओए फ्लैश तेरे को शायद ये तो पता है कि तू तेज दौड़ सकता है, पर तुझे ये नहीं पता आखिर बाइक्स में कौन सी चीज ज्यादा तेज दौड़ती है। अरे मतलब क्या है, सारी बाइक्स एक जैसी नहीं होती क्या? और क्या तुझे क्या लग रहा है सारी बाइक्स एक जैसी होती है, पागल है क्या? कुछ बाइक्स के अंदर ज्यादा ताकत होती है और कुछ बाइक्स के अंदर कम ताकत होती है। अरे कोई बात नहीं, मेरी टांगों में जो दम है उससे चढ़ा दूंगा। ओ देखते हैं चढ़ा पाता नहीं चढ़ा पाता। अबे रह गई। अरे रुक जा, एक बार फिर रिवर्स में लेके इस बार पावर से चढ़ाऊंगा। गाइस यार प्लीज इसकी बाइक ऊपर ना चढ़े, वरना ये रैम चैलेंज जीत गया तो समझो अनर्थ हो जाएगा। अरे बस थोड़ा सा और, एक टप्पा और चढ़ जाती। ये मैं चला फुल स्पीड में और इस बार चढ़ा दी भाई। ओए ये क्या, इसने तो ऊपर चढ़ा दी बाइक। अरे जीतूंगा तो मैं ही, ये देख। अरे ये क्या, अबे ये क्या कार्डबोर्ड का गद्दा मेरे पीछे पड़ गया, मैं तो मर गया। आई एम बैटमैन,
बैटमैन जाएगा अब। ओके ओके, कौन सी बाइक लेके जाएगा बैटमैन तू? आई एम बैटमैन, बैटमैन ब्लैक बाइक चलाता है हमेशा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर बैटमैन जा रहा है ये ब्लैक वाली बाइक लेके, देखते यार बैटमैन क्या करता है। वो भाई साहब, ये बैटमैन की बाइक में पावर इतनी ज्यादा कहाँ से आ गई? ये देखो भाई, नॉर्मल बाइक लग रही थी, इस बाइक के अंदर तो काफी ज्यादा पावर है यार सैमी, देखने में कमजोर लग रही है। आई एम बैटमैन, मैंने बहुत सारी बाइक चलाई है। हाँ ठीक है ठीक है भाई साहब, अगर यहाँ पर बैटमैन जीत गया तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि आई एम बैटमैन। अबे रुक गई तेरी बाइक तो, हे चढ़ जाएगी। ये देख इसके अंदर जो ये चीजें लग रही है ये बहुत ज्यादा कमाल की है भाई, ये तो सही में आगे बढ़ता जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जीत सकता बिल्कुल भी, तुझे पता नहीं मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए। आई एम बैटमैन। वाओ भाई, ये कैसे किया बैटमैन तूने? आई एम बैटमैन। भाई यार तुम लोगों ने देखा, बैटमैन एक भी बॉडी बिल्डर को उड़ाए बगैर साइड में से घूमते हुए आया है, बिल्कुल स्लाइड करते हुए। भाई बैटमैन में मार गया यार, तेरी जैसी बाइक तो किसी को भी चलाने नहीं आती यार सैमी, क्या आदमी है रे तू, क्या कमाल तरीके से बाइक चलाता है। आई एम बैटमैन। ये क्या है कचरा कहीं का? आई एम बैटमैन, ये देखो। हे अबे पागल, वो ऑयल टैंक से। आई एम बैटमैन। ये क्या, ये सैमी ऑयल टैंक थे। अब भाई अब इसकी बाइक को कुछ नहीं हुआ, पूरी बुलेट प्रूफ लगती है मेरे को शायद ये। आई एम बैटमैन। ओए भाई सब बच गया लैंडमाइन से। आई एम बैटमैन। ओके भाई बैटमैन मान गया भाई, तू तो सैमी बड़ा कमाल का आदमी, देख रहे हो भाई कैसे बचते बचाते जा रहा है यार। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता तू। आई एम बैटमैन, आई एम बैटमैन, मैं उड़ता भी हूँ, दिखा उड़ के। ये देख ये क्या शिट, उड़ने के चक्कर में बैंड बच गया। आई एम बैटमैन। चलो गाइस यार बैटमैन की बैंड बच गई, बढ़िया मजा आ गया। अब यहाँ पर मेरे को चूज करना है और मैं दिमाग से चूज करूंगा कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। यहाँ पर काफी सारी बाइक्स है, जो बाइक सबसे ज्यादा ऊंची होगी हम लोग उस बाइक को लेंगे। तो गाइस यार जितना मेरे को समझ में आ रहा है ना, मुझे ये वाली बाइक लेके जानी चाहिए क्योंकि यार इसके अंदर देखो यार इसके टायर्स काफी सही लग रहे हैं मेरे को और काफी ऊंची भी है बाकी बाइक से जितनी भी वहां पर खड़ी है। तो चलो इस वाली बाइक को लेके चलते। वो 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 वो। चलो गाइस यार अभी तक तो बिल्कुल सही चल रही है वाली बाइक, बस आगे धोखा ना दे। वो टकरा गई गलती से यार बाइक मेरी, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि वी आर प्रो ब्रो। बैटमैन को क्या लगता है सिर्फ उसे ही बाइक चलानी आती है? पर नहीं यार, बैटमैन को सैमी मुझसे भी ज्यादा अच्छी बाइक चलानी आती है यार, उसने क्या स्किड मारी थी यार वहां पर, यहाँ पर देखो कैसे रिपटता हुआ गया था यार। बैटमैन तो है तो कमाल का भाई, मुझसे ज्यादा अच्छी बाइक चलानी आती है बैटमैन को, पर मेरे को इनको उड़ा के जाना पड़ेगा। सॉरी बॉडी बिल्डर्स, अरे हट जा भाई आगे से यार, जिगा रोक के खड़ा है तू तो बिल्कुल मेरी। हाँ चलो भाई साहब हम लोग आगे पहुंच चुके। ओ बच के थोड़ा, ऑयल टैंक्स में नहीं टकराना, बच गया, नहीं टकराया एक में भी। ओके तो गाइस यार अब यहाँ से एक और जंप लेनी है और ये बिल्कुल परफेक्ट, वो लैंडमाइन से बच के। ये भाई साहब अभी हम लोग बिल्कुल सही करते जा रहे। अरे बीच में टूटा हुआ ब्रिज है ये। ओए इस तरफ मेरे को कोई बकवास नहीं करनी जैसे बैटमैन कर रहा था, वो तो फालतू की हवा बना रहा था यार, मतलब इतनी हवा बनाने की कोई जगह भी नहीं थी जितनी वो बना रहा था। ओए भाई साहब धीरे धीरे, ये निकल गए हम लोग। अबे ये क्या, ओए इसकी ऐसी तैसी, अरे नहीं 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 किस तरफ आएगी, बड़ी डेंजरस बॉल है यार ये तो, मेरे को लगा था कि यार ये बस ऐसे ही घूम रही, देखो अगर इससे गलती से भी हम लोग टकरा गए ना तो हमारा गेम खत्म था। इस तरफ, ओए 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 इसकी ऐसी तैसी, निकलो निकलो क्या खतरनाक, क्या बचाऊं, बार बार हेलमेट लगाने दो भाई, थोड़ा सा रह गया नीचे गिरा देती मेरे को ये बोल अभी। चलो भाई आगे चलते हम लोग। ओके तो गाइस अब मेरे को इस नीले वाले पे जाना है। ओके तो गाइस यार अब मेरे को यहाँ से सामने की तरफ जाना है, बस ये नीचे ना गिरे। ओके नहीं गिरा, ओ शिट, ओ बच्चा बच्चा बच्चा, ओ बच गया। भाई साहब इनमें से आधे नकली थे और आधे असली थे यार, मतलब एक गत्था वो अगला वाला नकली था यार, वो तो सही है मैंने उस पर हल्का टायर चढ़ाया था वो नीचे गिर गया था, पर अभी बार बार बचा भाई बर्गर्स के ऊपर। चलो गाइस यार बस हम लोग जीतने वाले हैं, यहाँ से हम एक लास्ट जंप लगानी है और उसके बाद वेनम जिला हमारा हो जाएगा। ओ ये हम लोग चले फुल स्पीड में, जुक जुक, हट जाओ लेडीज, अरे क्या कर रहे हो, और ये हमारी टक्कर, ओ भाई ओ शिट, ओए ये क्या, अबे ये सूट कैसे खड़ा था यार, नीचे गिर गया बेकार गंदा सूट। हाँ चलो गाइस यार अब इस सूट्स को लेते हैं और जल्दी से लेके चलते हैं इस सूट को अपनी सुपर गर्ल के पास, लेट्स अपग्रेड। तो गाइस यार फाइनली हम लोगों के पास आ चुका है वेनम जिला का खतरनाक वाला सूट, वो भाई क्या कमाल का सूट है यार। चलो गाइस यार अब जल्दी जाके इसको सुपर गर्ल को दिखाता हूँ, देखते क्या उसे ये वाला सूट पसंद आता है नहीं आता, लेट्स गो गाइस। सुपर गर्ल ये देखो मैं तुम्हारे लिए सबसे दुनिया का ताकतवर सूट लेके आया हूँ जैसा तुम्हें चाहिए था। वाओ इतना बड़ा सूट, मेरे को इतना बड़ा ही सूट तो चाहिए था। ओह माय गॉड सुमित, तुम मेरे फेवरेट हो, तुम मेरे लिए खतरनाक खतरनाक सूट लेके आए और अब ये वाला, ओह माय गॉड आई लव यू टू, मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। तो गाइस यार यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, एक सेकंड तुम्हारा एक सूट कहाँ पर रह गया, रुक जाओ आता होगा। सही में सुमित तुम्हें कितने
मस्त मस्त सूट ले गए। सबसे पहले ये एंजल वाला, अबे ये कचरा भी यहीं पर खड़े, निकल यहाँ से कचरे सूट। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तुम मेरे लिए एक से एक सूट लेके आए, जैसे ये वाला, और उसके बाद तुम मेरे लिए लेजेंडरी आइस सूट लेके आए, उसके बाद लेजेंडरी वाटर सूट भी लेके आए, और साथ में लेजेंडरी सबसे ताकतवर और सबसे अनोखा गॉडज़िला वाला आयरन मैन सूट। अरे ये क्या, ये सूट कितना गंदा है, ये ले गंदे सूट, मैं तेरे को अभी बताती हूँ, तुम मुझसे फाइट करेगा, मेरा नाम सुपर गर्ल है, ये ले। ओके तो गाइस यार पता नहीं सुपर गर्ल में क्या बचपन आ गया है जो इस छोटे से सूट के साथ लड़ रही है, पर यार ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और मैं तो गाइस यार मैं यही चाहता था। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो मेक श्योर टू लाइक कर देना, चैनल पे पहले बार बोले बट क्या चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी। अरे ये छोटा सा सूट पकड़ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। We're just getting started. I know that you want it, baby. Just get on it, ready to go. We know how to party. Pull out the